CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम तब की बात। आलेख बालक राम नागर का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। कब की बात है भला? अभी की। अभी क्या बात होने जा रही है? हम गाएंगे एक गाना। कौन सा? हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। हमने तो गाना सुना दिया, अब थोड़ा सा तुम सब गाओ सब मिलकर। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। गाने वाली मछली की बात से हमें एक दूसरी मछली की कहानी याद आ गई, मगर वो हरे समुंदर की नहीं, एक नदी की मछली थी। मछली पकड़ने वाले मछुए के जाल में पकड़ी गई थी, यानी जाल में मछली फंस गई थी। तुम जानते हो ना, मछुए का काम होता है मछलियां पकड़ना और फिर उन मछलियों को बेचना और पैसे कमाना। पर हाँ, वो मछली कोई ऐसी वैसी मछली नहीं थी, बड़ी रंग बिरंगी थी, इंद्रधनुष के रंगों वाली गोल मटोल आंखें और खूब मोटी ताजी। मछुए ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ, सोचने लगा, अरे वाह कितनी प्यारी है, इस रंग बिरंगी मछली का भाव तोल नहीं करूंगा, कौन देगा इसकी कीमत, इसे तो मैं राजा को दे दूंगा भेंट। राजा इसे देख बहुत खुश होगा और मुझे देगा ढेर सारा इनाम। बस फिर क्या था, मछुआ गाता हुआ जा पहुंचा राजा के महल के सामने। राजा को मैं भेंट करूंगा इस सुंदर मछली को, राजा को मैं भेंट करूंगा इस सुंदर मछली को, राजा देगा खुश होकर इनाम बड़ा सा मुझको, इनाम बड़ा सा, इनाम बड़ा सा, इनाम बड़ा सा मुझको, राजा को मैं गीत गाता हुआ जब मछुआ राजा के महल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि महल के दरवाजे पर खड़ा है दरबान, बड़ी सी पगड़ी पहने, बड़ी बड़ी मूछों वाला, और हाथ में था उसके मोटा सा डंडा। उसने पहले तो मछुए को घूर कर देखा, फिर कड़क कर बोला, कहाँ घुसा जाता है, जानता नहीं है ये राजा का महल है? जानता हूँ दरबान जी, मैं अपने राजा से ही मिलने आया हूँ। अपने राजा से ही मिलने आया हूँ? अरे अपना मुंह देखा है शीशे में? देखा है, देखा तो है दरबान जी, बहुत बुरा नहीं है। अरे बुरा नहीं तो क्या अच्छा है, आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए फोकट में। फोकट में नहीं दरबान जी, मैं अपने राजा के लिए कुछ लाया हूँ। कुछ?
अरे वो क्या होता है? आप देखेंगे? देखिए देखिए ये रंग बिरंगी इंद्रधनुष के रंगों वाली गोल मटोल आंखें, खूब मोटी ताजी। अरे वाह, मछली सी मछली, देखकर मुंह में पानी भर आया है। ये आपके लिए नहीं है। जानता हूँ जानता हूँ, तू इसे महाराज को देगा, महाराज तुझे ढेर सा इनाम देंगे। हाँ, क्या करता है, मैं कह दूं नहीं नहीं तो नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे अंदर। जाने दो दरबान जी, आपके आपके पांव पड़ता हूँ। अरे पांव पड़ने से क्या होता है? तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ, इधर आ, कान में सुन। हाँ हाँ। अगर सचमुच महाराज से मिलना है, हाँ, तो महाराज जो इनाम तुझे दे, हाँ, उसका आधा मुझे देना होगा। आधा? आधा। अगर कुछ और दे तो? वो भी आधा तेरा आधा मेरा। अच्छा अच्छा, ऐसा ही होगा। अब मुझे अपने राजा के पास जाने दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है भाई, जाओ। और फिर क्या हुआ? मछुए ने राजा को वो मछली दिखाई। देखते ही महाराज खुशी से उछल पड़े। वाह वाह वाह, ऐसी सुंदर मछली हमने पहले कभी नहीं देखी थी और ना देखेंगे। बोलो क्या इनाम दे तुम्हें? सरकार, मैं जो मांगूंगा वही आप देंगे ना महाराज? हाँ हाँ, मांगो, क्या मांगते हो? मेरे राजा, वो चाबुक होता है ना, जिसे घोड़े की पीठ पर मारते हैं। तुम्हारा मतलब कोड़े से है? हाँ महाराज, मैं कोड़ों का इनाम चाहता हूँ। कोड़ों का इनाम? जी हाँ, 100 कोड़ों का इनाम। इस मछली के लिए मेरी पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। कोई है? इस मछुए की पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे फूल गिरते हैं। और फिर मछुए को कोड़े लगने शुरू हुए। 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50। बस महाराज, मुझे अपना हिस्सा, अपना भाग मिल गया। क्या मतलब? 100 के आधे 50 होते हैं ना महाराज। मुझे अपना आधा मिल गया, बाकी का आधा दरबान को। सरकार, उसने मुझे आपके पास तभी आने दिया कि जो इनाम आप मुझे दें उसका आधा मुझे उसको देना होगा। अच्छा, उस बेईमान की इतनी हिम्मत, ये मजाल। कोई है? दरबान को बुलाकर उसकी पीठ पर 50 कोड़े लगाए जाएं, तड़ा तड़ 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 तड़, जैसे कोई बिजली कड़कती है, जोर जोर से ताड़ ताड़ ताड़। 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50,
50 कोड़े लगने पर दरबान की पीठ का जो हाल हुआ हमसे कहा नहीं जाता। हमसे नहीं कही जाती ये दुख भरी बात कि कोड़े पड़ने पर बेईमान दरबान की पीठ उधड़ गई। भगवान किसी को बेईमान ना बनाए और किसी को ऐसा आधा हिस्सा, ऐसा आधा भाग कभी ना मिले। पर हां, ऐसा आधा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे। कैसा आधा? लो सुनो। बनाएंगे रोटी गोल 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 रोटी एक बनाएंगे रोटी एक बनाएंगे आधी आधी खाएंगे आधी आधी खाएंगे आधी आधी खाएंगे आधी आधी खाएंगे प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।